मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन 53 इयर्स के हो चुके हैं। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन का है आज जन्मदिन। और एक्टर को ढेर सारे विशेज मिले बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनके फैन से सोशल मीडिया पर, लेकिन यहाँ पर एक्टर जो है अपने काम पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं और अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। वो अपनी अपकमिंग फिल्म रनवे 34 पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में वो एक्ट भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं इस फिल्म को, और इस फिल्म के चलते वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं। अपने बर्थडे के दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म पर ही काम करेंगे। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ अमिताभ बच्चन जी और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगे। फ्राइडे के दिन सुहाना खान, आर्यन खान, इब्राहिम और अनन्या पांडे को स्नैप किया गया स्टैंड्स पर चीयर करते हुए शाहरुख खान की टीम के लिए। शाहरुख खान की बेटी सुहाना और अनन्या पांडे को स्पोर्टी स्टाइलिश लुक में देखा गया, टैंक टॉप्स में देखा गया, जहां दूसरी तरफ आर्यन ने कैजुअल ब्लैक टी शर्ट पहना था। सुहाना ने कुछ सीरीज ऑफ पिक्चर्स अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए। इस आउटिंग से सुहाना गियर अप कर रही है अपने बिग बॉलीवुड रिलीज के लिए वेब सीरीज के तौर पर, जिसे हेल्म किया जा रहा है जोया अख्तर द्वारा। बताया जा रहा है कि ये आर्चीज का एक बहुत बड़ा बॉलीवुड रीमेक है जो OTT प्लेटफॉर्म पर एयर किया जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और उनके बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी दोनों को स्पॉट किया गया सेलिब्रेट करते हुए। एक्ट्रेस के भाई का बर्थडे दोनों को सिटी में स्पॉट किया गया था एक रेस्टोरेंट के बाहर। दोनों ने ब्लैक कलर के आउटफिट्स पहने थे। यहां दोनों ट्विन करते हुए नजर आए, जहां रकुल प्रीत सिंह ने एक ब्लैक कलर का स्लिप ड्रेस, गोल्डन हील्स और ब्लैक कलर का बैग कैरी किया था। वहीं दूसरी तरफ जैकी भगनानी ऑल फॉर्मल डेक्ड अप थे ब्लैक सूट में। बता दें कि दोनों ने ऑल ब्लैक अटायर ऑप्ट किया इस नाइट पार्टी के लिए। पार्टी के अटेंडीज होमा कुरैशी, साहिब सलीम, प्रज्ञा जायसवाल और सोनल चौहान भी थे, और ये सारे पिक्चर्स सोशल मीडिया पर भी आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को ट्रेडिशनल वेयर में ड्रेसअप होना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बता दें कि गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करते हुए श्रद्धा कपूर के सोशल मीडिया पर कई सारे पिक्चर्स सामने आ रहे हैं, जिसमें हम उनको ट्रेडिशनल आउटफिट में देख सकते हैं, एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी में देख सकते हैं, और वो ऑल डेक्ड अप है गुड़ी पाड़वा के खास ओकेजन पर और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। उन्होंने महाराष्ट्रियन वे में सेलिब्रेट किया इस फेस्टिवल को, और यहाँ पर बता दें कि गुड़ी पाड़वा जो है महाराष्ट्रियंस के लिए एक न्यू ईयर माना जाता है, यानी कि ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। वेल, श्रद्धा कपूर की ये तस्वीर देखकर लग रहा है कि वो ऑल गियर्ड अप हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक रिसेंटली रिलीज हुई थी सिनेमा हॉल में। बता दें कि ये फिल्म जो है उसने काफ़ी लो परफॉर्म किया है जितना एक्सपेक्टेड था। प्रेडिक्शंस की माने तो बताया जा रहा था कि ये फिल्म जो है अपने फर्स्ट डे पर लगभग 5 करोड़ या उससे ज़्यादा कमा सकती है, लेकिन इस फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें, ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें, तो वो सिर्फ 3 करोड़ रहा, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। मीनवाइल दूसरी तरफ SS राजामौली की फिल्म RRR अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बुल की तरह रोर करती हुई नजर आ रही है। फ्राइडे के दिन RRR ने कलेक्ट किए 13 करोड़ बॉक्स ऑफिस पर। ये उनका सेकेंड फ्राइडे था। बॉलीवुड एक्टर और कपल विकी कौशल और कैटरीना कैफ इंजॉय कर रहे हैं अपना वेकेशन। बता दें कि अपने वेकेशन के चलते आए दिन वो कोई ना कोई फोटो शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ नज़र आता है। रिसेंटली विकी कौशल ने कुछ पिक्चर्स शेयर किए अपने वेकेशन से, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, और इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर वाईफाई नहीं है, जिसके बाद फैंस ने उनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। फैंस ने उनसे पूछा कि अगर इस ट्रिप में आपके पास वाईफाई नहीं है तो आपने ये सारे पिक्चर्स कैसे पोस्ट किए। काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है कि जोया अख्तर एक सीरीज़ बनाने जा रही है आर्चीज कॉमिक पर और अडेप्ट कर रही हैं बॉलीवुड में इस थीम को, स्टारिंग सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त्य नंदा। बल बता दे कि इस प्रोजेक्ट से एक नया अपडेट सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि
इस प्रोजेक्ट का जो एक स्केड्यूल है वो ऊटी में किया जाएगा और ये जो स्केड्यूल होगा वो लगभग 40 डेज का होगा। बहुत जल्द पूरी टीम और सारी जो स्टार कास्ट है वो ऊटी के लिए रवाना होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए शूट करने के लिए। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में खुशी कपूर बेटी का रोल निभा रही हैं, सुहाना खान वेरोनिका का और अगस्त्य नंदा आर्ची एंड्रयूज का। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने कुछ सीरीज ऑफ पिक्चर्स शेयर किए हैं अपने लेटेस्ट फोटो शूट से, जिसकी वजह से ये पिक्चर्स वायरल हो चुकी हैं। वेल, बता दें कि इन पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि जाह्नवी कपूर ने एक लॉन्ग बॉडी हगिंग शिमरी ड्रेस पहना है, एक सिल्वर राइनस्टोन ड्रेस है और ये ड्रेस जो है बैकलेस है। इसमें जाह्नवी कपूर ने अपना हेयर जो है उसे एक स्लीक पोनीटेल में बांधा है और काफ़ी ग्लोई और ग्लैमरस मेकअप लुक किया है। वेल, बता दें कि इन पिक्चर्स में जाह्नवी कपूर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, जिसकी वजह से ये पिक्चर्स वायरल होती हुई नज़र आ रही हैं इंस्टाग्राम पर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो ड्रग केस चल रहा था वो काफ़ी बड़ा टॉपिक था जो अब तक आए दिन हेडलाइंस पर आता रहता है कोई ना कोई अपडेट के साथ, और अब तक इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। वेल, बता दें कि एनसीबी विटनेस थे इस केस में प्रभाकर सेल, ये एक बहुत ही बड़े एनसीबी विटनेस थे इस केस में और उनका देहांत हो चुका है, और ये आर्यन खान के केस में ही बहुत बड़े विटनेस थे। बताया जा रहा है कि उनका देहांत हार्ट अटैक के चलते हुए हुआ और लॉयर ने इस बात को कंफर्म किया कि उनका देहांत हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। मिस यूनिवर्स हरनाज संधु जब से मिस यूनिवर्स का टाइटल जीती हैं तब से फैंस ने और नेटिजन्स ने नोटिस किया है कि उनके वेट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, उन्होंने वेट गेन किया है, जिसकी वजह से हरनाज को ट्रोल किया जा रहा है आए दिन। वेल, बता दें कि हरनाज ने अब इस पर बात की, उन्होंने कहा कि उनको एक डिज़ीज़ है सीलियाक डिज़ीज़ जो आपके इम्यून पर रिएक्ट करता है, ये तब होता है जब आप ग्लूटन खाते हो। ग्लूटन जो है वो ज़्यादातर वीट बार्ले में पाया जाता है और वहीं बता दे कि इसकी वजह से उनका वेट गेन हुआ है। हरनाज ने साथ में ये भी डिस्क्लोज किया कि जब वो स्कूल में थी तो उनको बुली किया जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली थी और अब उन्हें ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने वेट गेन कर लिया है। साथ में उन्होंने कहा कि हमारी जो बॉडी है वो अंडरगो करती है कई सारे चेंजेस जब हम डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं। उन्होंने कहा, व्हेन यू गो टू अ विलेज यू सी चेंजेस इन योर बॉडी एंड आई वेंट टू न्यूयॉर्क फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट इज़ अ होल अदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़ और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।